यही नहीं, हमने तो वो भी किया जो कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती थी। जो नेहरू जी के दिए जखम थे, ब्लंडर ऑफ नेहरू, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगाई थी, जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हो गई, सैनिकों की शहादत हो गई, हजारों फौजी हमारे वहां पर घायल हो गए, इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। अब राहुल गांधी जी कहते मेरा दिल करता कश्मीर में घर बनाऊं। अरे कईयों के घर उजाड़ने के बाद अब उन्होंने घर बनाने की सोचते हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद अलगाववाद को मिटाने का काम किया और पथरावबाजी खत्म कर दी है। 5 सालों में एक भी पथराव की घटना जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाई मेरे भाई। श्री नरेंद्र भाई मोदी। अरे हुड्डा जी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार था वो हरियाणा आज भी नहीं भूला है। 19 अप्रैल 2010 मिर्चपुर की घटना को याद करो, दलित परिवारों के बस्ती में वहां पर अगर कुत्ते भौंक भी पड़े तो वहां पर उन परिवारों को 18 परिवारों के घरों और सबको चलाने का काम इसी हुड्डा सरकार के समय हुआ था। दलितों की आवाज को कुचलने का काम हुआ था। ये फरीदाबाद के एमएलए साहब कह रहे हैं कि हुड्डा जी 2 लाख नौकरी देंगे तो 2000 का कोटा मुझे मिलेगा और 50 वोट पे मैं एक नौकरी दूंगा, सिफारिश करूंगा। तो क्या खर्ची और पर्ची वाली सरकार वापस देखना चाहते हो क्या? यानी कि जो धनवान होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसी को ही वापस नौकरी का इंतजाम होगा। अरे हमने 1.25 लाख नौकरियां दी बगैर खर्ची पर्ची के दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में नौकरियां देने का काम किया मेरे भाई और बहनों। लेकिन खर्ची पर्ची वाली सरकार चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए, अगर भाई भतीजावाद वाली चाहिए तो उनको वोट दे देना। और दूसरा सुन लीजिए, ये महाशय आपके एक और उम्मीदवार संत के क्या कहते हैं, वो कहते हैं पहले तो अपना पेट भरेंगे। लो सुनो, अब इन्होंने अभी सरकार बनी नहीं, घर भरने की तैयारी पहले कर ली है, नौकरी बेचने की तैयारी कर ली है, अभी भी समय जाग जाओ। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, धर्म के नाम पे बांटेंगे, किसी आंदोलन के नाम पे बांटेंगे, बटना नहीं है, मिटना नहीं है। हरियाणा को बचाना है तो कमल का फूल खिलाना है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है।